हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मॉम्स फाइनेस्ट किचन में। आज हम आप लोगों के साथ पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर करेंगे। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पनीर लिए हैं 250 ग्राम, इसे ऐसे लंबाई में कट कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में कट कर लिए हैं। 1 शिमला मिर्च लंबाई में कट कर लिए हैं। 1 बड़े साइज का टमाटर लंबाई में काट लिए हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ड्राई मसालों में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर और बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती लिए हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस पे। कढ़ाई गर्म होने के बाद ऐड करेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। सरसों के तेल में सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरा चटकने देंगे। जीरा चटकने के बाद कटी हुई प्याज को ऐड करेंगे और इसे चलाएँगे मीडियम फ्लेम पर। कवर करके 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसी टाइम पे ऐड करेंगे टमाटर, मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक से टमाटर जल्दी गल जाता है। कवर करके 2 मिनट तक इसे भी पकने देंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट तक इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट ना आए। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे। कवर करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। 1 मिनट बाद मसाले पक चुके हैं। कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे भी पकने देंगे। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुका है। इसी टाइम पे ऐड करेंगे पनीर। मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, इसे भी मिक्स करेंगे। कवर करके लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद कटी हुई हरी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। हल्के हाथों से चलाएंगे और कवर करके 1 मिनट तक और पकने देंगे लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं ये हमारा पनीर की सब्जी रेडी हो गया। आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।